Students, good morning and welcome to Bind EduTech. Today I am going to explain the very first poem from the book Hornbill for class 11th, a photograph written by the poetess. Surly Tolson. Surly Tolson was a poetess of England. In this poem, the poetess had paid a tribute to her mother and she had depicted the vivid. Picture of three different phases of her mother's life. In the poem, a photograph, the word photograph is used for the photograph of the poetess' mother. The photograph does not show the photograph of the poetess because that was taken before the birth of the poetess there are 3 stanzas in the poem a photograph in the first stanza ए पोएम ए फोटोग्राफ सरली टॉल्सन इंग्लैंड की कवित्री हैं और इस पोएम में उन्होंने अपने माँ को एक तरह से ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि दी है तीन अष्टांजा में ये पोएम है सबसे पहले हम लोग इस पोएम में जो वर्ड आया है फोटोग्राफ तो द वर्ड फोटोग्राफ रेफर्स टू द फोटोग्राफ ऑफ द पोएटिस मदर सबसे पहला यह क्वेश्चन बनता है कि हुज फोटोग्राफ इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम ए फोटोग्राफ तो द फोटोग्राफ डिस्क्राइब द फोटोग्राफ और शो द फोटोग्राफ ऑफ द पोएटिस मदर द फोटोग्राफ डज नॉट शो द फोटोग्राफ ऑफ द पोएटिस बिकॉज दैट वॉज टेकन बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएटिस ये फोटोग्राफ कवित्री के फोटोग्राफ को नहीं दिखाता क्योंकि ये फोटोग्राफ तब ली गई थी जब कवित्री की जन्म भी नहीं हुई थी और कवित्री की माँ की उम्र उस समय मात्र बारह वर्ष की थी तो सबसे पहले हम लोग इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को देखें केंद्रीय भाव पोएम का जो है सेंट्रल आइडिया कवित्री अपने मां के मौत के बहुत दिनों के बाद एक फोटोग्राफ देखती है वो फोटोग्राफ उस समय की थी जब कवित्री की जन्म नहीं हुई थी और कवित्री की मां अपने दो कजन्स जिनके नाम वीटी और डॉली थे उनके साथ सी वेंट टू ए सी बीच टू अस्पेंड हर होलीडेज अपनी दो चचेरी बहनों के साथ समुद्र तट पर छुट्टियां बिताने के लिए गई थी तीनों वहां पर समुद्र तट पर खड़ी थी दियर हेयर वाज अ स्कैटर्ड ऑन दियर फेसेस एंड देवर अ स्माइलिंग वो तीनों समुद्र तट पर खड़ी थी उनकी बाल उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वे मुस्कुरा रही थी तो फर्स्ट स्टांजा में कवित्री अपने माँ के शानदार बचपन के दिनों का वर्णन करती हैं कि कैसे वो समुद्र तट पर अपनी छुट्टियां बिताने जाती थी और कैमरा के साथ उस मोमेंट को कैप्चर करते हैं पोइटेस मदर्स अंकल कवित्री के माँ के अंकल कैमरा के साथ प्रेजेंट थे कवित्री अपने माँ के मौत के बहुत दिनों के बाद थर्टी फोर्टी इयर्स बाद जब उस फोटोग्राफ को देखती है तो कवित्री इमोशनल हो जाती हैं पोइटिस कि उन चालीस वर्षों में उस समुद्र के तट में कोई परिवर्तन नहीं आया चालीस वर्ष पहले जहां पर था आज भी वो वहीं पर था लेकिन इन चालीस वर्षों में कवित्री की मां में बहुत परिवर्तन हो। वो बारह वर्ष से अधिक उम्र की हुई बड़ी हुई कवित्री की जन्म हुई और इस धरती को अलविदा कहकर चली गई तो जब अपने मां के मौत के बाद कवित्री उस फोटोग्राफ को देखती हैं इमोशनल हो जाती और ऑल ऑफ ए सडन उनके माइंड में ए आइडिया स्ट्राइक करती है कि विथ द पैसेज ऑफ टाइम ए लॉट ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्वड इन ह्यूमन बींग्स बट नेचर एंड हर ऑब्जेक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम समय के साथ मानव में बहुत परिवर्तन होते लेकिन प्रकृति और उसकी रचनाएं शाश्वत होती समय के थपेड़ों का प्रकृति और उसकी रचनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती इनफैक्ट मैन इज मोर्टल वाइल नेचर इज इटर्नल मानव नश्वर होता है जबकि प्रकृति शाश्वत होती है उस पर समय के थपेड़ों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है इसी मैसेज को कन्वे करने के लिए पोएटिस ने ए फोटोग्राफ पोएम को कंपोज की और थ्री डिफरेंट फेजेस का वर्णन की है तो इन द पोएम ए फोटोग्राफ in the poem a photograph photograph poem mein the poetess surly tolson the poetess has depicted the vivid picture स्पष्ट तस्वीर जो है हम लोगों को दिखाई है विविड पिक्चर ऑफ थ्री डिफरेंट फेजेस थ्री डिफरेंट फेजेस ऑफ हर मदर्स लाइफ अपने माँ के जिंदगी के तीन विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन की है हियर द फोटोग्राफ यहां पर जो फोटोग्राफ है हियर द फोटोग्राफ रेफर्स टू द रेफर्स टू द फोटोग्राफ ऑफ द पोएटिस मदर फोटोग्राफ ऑफ द पोएटिस मदर कवित्री के माँ के फोटोग्राफ का वर्णन है द फोटोग्राफ Does not show the photograph of the poetess. Remember it, the photograph does not show the photograph of the poetess. Photograph of the poetess. फोटोग्राफ कवित्री के फोटोग्राफ का वर्णन नहीं करती बिकॉज दैट वॉज टेकेन बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएटिस फोटोग्राफ तब ली गई थी जब कवित्री की जन्म भी नहीं हुई थी एंड एट दैट टाइम एंड एट दैट टाइम द पोएटिस मदर वाज ओनली ट्वेल्व इयर्स ओल्ड और कवित्री की मां उस समय इतने वर्ष की थी बारह वर्ष की थी इन द फर्स्ट स्टांजा इन द फर्स्ट स्टांजा फर्स्ट स्टांजा में द पोइटेस हैज डिपिक्टेड द ग्लोरियस चाइल्डहुड शानदार बचपन के दिनों का वर्णन की है ग्लोरियस चाइल्डहुड ऑफ द पोएटिस मदर कवित्री के मां के शानदार बचपन के दिनों का वर्णन किया फेंट टू ए सी बीच सी वे टू ए सी बीच समुद्र तट पर गई थी सी बीच टू अस्पेंड हर हॉलीडेज छुट्टियां बिताने के लिए एलोंग विथ हर टू कजिन्स अपनी दो चचेरी बहनों के साथ जिनके नाम थे वीटी एंड डॉली हु वेयर वीटी एंड डॉली तो देवर कज़न्स ऑफ द पोएटिस मदर इन द सेकंड स्टांजा, इन द सेकंड स्टांजा, द पोएटिस मदर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मिडिल एज वुमेन सेकंड स्टांजा में कवित्री की मां का वर्णन एक प्रौढ़ महिला मिडिल एज वुमेन के रूप में की गई है हु लाफ्स टू सी हर अस्नैप शॉट लाफ्स टू सी हर अस्नैप शॉट जो अपने ही फोटोग्राफ को देखकर हंसती हैं नेचर का रूल है दुनिया का हर व्यक्ति अपने बचपन के फोटोग्राफ को देखकर हंसता है अगर आप भी अपने बचपन के फोटोग्राफ को देखोगे तो आपको भी हंसी आएगी क्योंकि व्यक्ति उस अतीत में खो जाता है कि वे कैसे दिन हुआ करते थे तो सेकंड स्टांजा में कवित्री की मां का वर्णन एक मिडिल एज वुमेन के रूप में की गई है सी हर स्नैपशॉट जो अपने ही फोटोग्राफ को देखकर हंसती बाय रिमेंबरिंग याद करके दो चीजों को बाय रिमेंबरिंग हर ग्लोरियस बाई गोन डेज सी हर स्नैपशॉट बाय रिमेंबरिंग याद करके बाई रिमेंबरिंग हर ग्लोरियस बाई ग डेज अपने बचपन के शानदार दिनों को याद करके एंड हर फनी ड्रेसेस और अपने मजेदार ड्रेस को देख कर कि जब वे लोग छोटे थे और समुद्र तट पर छुट्टियां बिताने जाती थी तो उस समय वे कैसे मजेदार ड्रेस पहनते थे उनके पेरेंट्स कैसे फनी ड्रेस उनको पहनाया करते थे इन द थर्ड अस्टांजा तीसरे अस्टांजा में इन थर्ड अस्टांजा तीसरे अस्टांजा में द पोएट रिमेंबर्स हर मदर विथ हे हेवी हर्ट कवित्री उदास हृदय से भारी मन से अपने मां को याद करती है बिकॉज सी इज नो मोर अ लाइव क्योंकि अब उनकी मां जीवित नहीं है तो द थर्ड अस्टांजा जो तीसरा अस्टांजा है रेफर्स टू द थर्ड अस्टांजा रेफर्स टू दफ द पोएटिस मदर डेथ ऑफ द पोएटिस मदर कवित्री के माँ के मौत का वर्णन करती है एंड थ्रू दिस पोएम थ्रू दिस पोएम द पोएटिस Wants to give us the message, wants to give us a message that a lot of changes are observed in human beings are. ऑब्जर्व इन ह्यूमन बीइंग्स विथ दैसेज ऑफ टाइम समय के साथ मानव में बहुत परिवर्तन होते हैं बट नेचर एंड हर ऑब्जेक्ट नेचर एंड ऑब्जेक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम समय के साथ मानव में बहुत परिवर्तन देखे जाते लेकिन प्रकृति और उसकी रचनाएं बदलती नहीं इनफैक्ट मैन इज मोर्टल अनचेंज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इनफैक्ट मैन इज मोर्टल इनफैक्ट मैन इज मोर्टल वाइ नेचर एंड हर ऑब्जेक्ट्स इटर्नल मानव मरणशील है जबकि प्रकृति शाश्वत होती एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है वाइल डेथ इज ए कॉमन नेचुरल फिनोमेनन, जबकि मौत एक स्वाभाविक प्राकृतिक घटना है तो हम लोग अभी इस पोयम के सेंट्रल आइडिया को देख रहे थे केंद्रीय भाव को कि कवित्री ने किस तरीके से ये तीन अस्तानजा में थ्री डिफरेंट फेजेज का वर्णन की हैं तो अगर हम ब्रीफली इसको कहें कि फर्स्ट स्टांजा सेकंड स्टांजा और थर्ड स्टांजा क्या रेफर करते हैं तो फर्स्ट स्टांजा फर्स्ट स्टांजा द ग्लोरियस चाइल्डहुड ऑफ पोएटिस मदर द ग्लोरियस चाइल्डहुड ऑफ द पोएटिस मदर कवित्री के माँ के शानदार बचपन के दिनों का वर्णन है सेकंड स्टांजा द मिडिल एज ऑफ द पोएटिस मदर द मिडिल एज ऑफ दोएटिस मदर कवित्री के माँ के मिडिल एज का और थर्ड स्टांजा रेफर्स टू तो द डेथ ऑफ द पोएटिस मदर द दे डेथ ऑफ द पोएटिस मदर कवित्री के माँ के मौत का और यही मैसेज है कि विथ द पैसेज ऑफ टाइम ए लॉट ऑफ चेंजेज आर ऑब्जर्व इन ह्यूमन बींग्स बट नेचर एंड हर ऑब्जेक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इनफैक्ट मैन इज मोर्टल नेचर इज इटरनल यही मैसेज है पोएम का अंडरलाइन अब हम लोग इस पोएम को लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करेंगे विथ पोएटिक मीनिंग अब यहां पर पहला वर्ड है द कार्डबोर्ड सोज मी द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज फेन टू गर्ल्स कजिन्स पैडलिंग अब यहां पर दो वर्ड देखिए कवित्री कह रही है कि कार्डबोर्ड मुझे दिखा रही थी कि वो कैसा समय था जब कवित्री की मां अपनी दो कजन्स वीटी और डॉली के साथ समुद्र तट पर छुट्टियां बिताने के लिए गई थी तो पैडलिंग जो वर्ड होता है वर्ड पैडलिंग मीन्स टू मूव लेग्स इन सैलो वाटर छीछले पानी में पाँव चलाना आप लोग भी बहुत बार किए होंगे जहां पानी कम है वो पाँव से इस तरह से छप छप करना साइकिल में भी पैडलिंग करते हैं लेकिन यहां पर जो पैडलिंग वर्ड आया है, मूव लेग्स इन ए सैलो वाटर अब यहां पर जो की वर्ड है इस लाइन का कार्डबोर्ड पोएम में कार्डबोर्ड फोटोग्राफ के लिए ही आया है ऐसे अगर हम सिंपली देखें तो यहां से कितने सारे क्वेश्चन से राइज होंगे कार्डबोर्ड वॉट डू यू मीन बाई द वर्ड कार्डबोर्ड सबसे पहले कि आप कार्डबोर्ड से क्या समझते हैं सेकंड व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो एक कार्डबोर्ड क्या दिखा रहा था एंड व्हाई हैज दोएटिस यूज द वर्ड कार्डबोर्ड और कवित्री ने कार्डबोर्ड शब्द का प्रयोग क्यों किया तो सिंपली जो यहां पर अभी मैंने डिस्कस किया कि कार्डबोर्ड फोटोग्राफ को पोएम में डिनोट कर रहा है अब अगर सिंपल मीनिंग कार्डबोर्ड को देखें तो कार्डबोर्ड मीन्स ए थिक पीस ऑफ वुड द वर्ड कार्डबोर्ड मीन्स ए थिक पीस ऑफ वुड थिक पीस ऑफ उड ऑन फिच ए फोटोग्राफ कैन बी पेस्टेड फोटोग्राफ कैन बी पेस्टेड अगर सिंपल इसका मीनिंग देखें इसको हिंदी में गत्ता कहते हैं यहां पर पोइम में उस फोटोग्राफ के लिए आया तो सिंपल मीनिंग जो है कार्डबोर्ड का कि लकड़ी का एक तख्ता जिस पर फोटोग्राफ को चिपकाया जाता है अब यहां पर कार्डबोर्ड दिखा क्या रहा था तो द कार्डबोर्ड शो द फोटोग्राफ ऑफ द द कार्डबोर्ड शो द फोटोग्राफ ऑफ द पोएटिस मदर फोटोग्राफ ऑफ द पोएटिस मदर कवित्री के मां के फोटोग्राफ को दिखा रहा था किस समय के फोटोग्राफ को दिखा रहा था फोटोग्राफ ऑफ द पोएटिस मदर फ्रेन सीवाज ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड कितने वर्ष की थी बारह वर्ष की एंड वेंट टू ए सी बीच सी वेंट टू ए सी बीच समुद्र तट पर गई थी सीवेन टू ए सी बीच अब यहां पर भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे क्या कि कवित्री की मां अपने कजन्स के साथ कहां पर खड़ी थी समुद्र के किनारे नदी के किनारे पाउंड के किनारे लेक के किनारे तो सिंह टू ए सी बीच समुद्र तट पर गई थी टू spend हर होलीडेज टू spend हर होलीडेज छुट्टियां बिताने के लिए along विथ एलोंग विथ हर कजिन्स अपनी दो कजिन्स के साथ जिनके नाम थे वीटी एंड डॉली तो इस लाइन में टू गर्ल्स कजिन्स तो टू गर्ल्स रेफर्स टू वीटी एंड डॉली ये दो लड़कियां जो है वो पोएम में किसको इंडिकेट कर रही हैं तो वीटी एंड डॉली हु वर वीटी एंड डॉली तो दे वर द कजेंस ऑफ द पोएटेस मदर कवित्री के मां के ए कजन्स थे चचेरी बहने थी टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग अस्पेंड विथ हर टू कजिन वीटी एंड डॉली अब यहां पर जो थर्ड क्वेश्चन होगा कि वाई हैज द पोएटिस यूज द वर्ड कार्डबोर्ड कवित्री इस पोएम में कार्डबोर्ड शब्द का प्रयोग क्यों की तो द पोएटिस हैज यूज द वर्ड कार्डबोर्ड द पोएटिस हैज यूज

उसी कार्डबोर्ड पर चिपकाई गई थी उनके मां के फोटोग्राफ को एंड इट हैड केप्ट दैट फोटोग्राफ क्वाइट सेफ पूरी तरह से सुरक्षित रखी हुई थी क्वाइट सेफ फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक लंबे समय से उस फोटोग्राफ को वो कार्डबोर्ड क्या रखी हुई थी सुरक्षित रखी हुई थी तो अब यहां से केवल कार्डबोर्ड से हम लोगों ने क्या क्या देखा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कार्डबोर्ड तो द वर्ड कार्डबोर्ड मीन्स ए थिक पीस ऑफ फूड ऑन फ्च ए फोटोग्राफ कैन बी पेस्टेड सेकंड व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो कार्डबोर्ड क्या दिखा रहा था तो द कार्डबोर्ड शो फोटोग्राफ ऑफ द पोएटिस मदर एंड हर कजिन्स वीटी एंड डॉली वो कार्डबोर्ड में किस समय का फोटोग्राफ था जब कवित्री की मां कितने दिन की थी हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड शिवाज तो शिवाज ट्वेल्व इयर्स ओल्ड डू यू थिंक दैट द कार्डबोर्ड also show the photograph of the poet's mother no the cardboard does not show the photograph of the poet's mother because that was taken before the birth of the poetess o cardboard कवित्री के फोटोग्राफ को नहीं दिखा रही थी क्योंकि कवित्री की जन्म के पहले ही उसको लिया गया था अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कार्डबोर्ड से कि हैज द पोएटिस यूज द वर्ड कार्डबोर्ड तो द पोएटिस हैड यूज द वर्ड कार्डबोर्ड बिकॉज हर मदर्स फोटोग्राफ वाज पेस्टेड ऑन इट एंड इट हैड केप्ट दैट फोटोग्राफ क्वाइट सेफ फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो इतना हम लोग देखें केवल कार्डबोर्ड से तो यहाँ जो लाइन हम लोग पहले लाइन को एक्सप्लेन किए हैं कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज फेन टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग तो आज हम लोगों ने सेंट्रल आइडिया मैसेज इस पोएम के स्टांजाज को देखा अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले लाइन को एक्सप्लेन करेंगे थैंक यू